वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। भाई आज जो वीडियो है, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे किसके ऊपर है। ये जो प्रोडक्ट है, ये सबका फेवरेट प्रोडक्ट है जो जिम करते हैं। जिम में जाने से पहले इसको यूज करना शुरू करते हैं और इसको रेगुलर कंटिन्यू बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। और भाई कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कौन सा मेरा भाई और कितने टाइम से इसको यूज कर रहे हैं। तो भाई ये है ली 52 DS, ये टैबलेट है और ये सीरम है। इसका यूज जो जिम करते हैं वहां जाने के बाद तुरंत आपको बता दिया जाता है कि भाई ये DS टैबलेट जरूर लें, अपने डाइट में इसको ऐड करें। और कईयों को तो ये मिथ है जो हम अब बस्ट करेंगे धीरे धीरे अपने एक एक वीडियो में। जो इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो सारी इसी के ऊपर होंगी, जो मिथ्स है जिम में जाने वाली उसको हम क्लियर करेंगे। इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी भाई को मेरे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई इंस्टेंट मिलेगा। भाई कमेंट में जरूर बताएंगे हम आपको, नहीं तो आप व्हाट्सएप में आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो जो है हमारी इस पे होने वाली है DS के ऊपर। तो DS की टैबलेट किसके लिए यूज होती है? भाई ये जो हिमालय की DS टैबलेट है, ये आयुर्वेदिक टैबलेट है और ये हमें क्या नाम है, हमारी एपिटाइट इंक्रीज करने में और हमारे लीवर को सपोर्ट करती है, लीवर में एप्सिस वगैरह नहीं होने देती है और हेपेटाइटिस ए और बी से प्रिवेंट करती है। आता है कि इसको यूज करना जरूरी है क्या, जो जिम कर रहा है उसको इसको यूज करना जरूरी है? तो भाई मैं बताना चाहता हूँ सारे भाइयों को कि भाई इसको यूज करना जरूरी नहीं है। हमारे बॉडी को पता होता है कि हमारी एपिटाइट कैसी है। अगर जब हम अपनी डाइट इंक्रीज करते हैं तो इंडाइजेशन होता है, कई बार प्रॉब्लम होती है जो जिम करते हैं और अपने डाइट में इंक्रीज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रोटीन इंक्रीज करते हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना पचता नहीं है, तब इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपका डाइजेशन सही हो जाए तो इसको स्टॉप करना जरूरी है रेगुलर बेस पे। कई कई मैंने देखा है कि कई जिमों में भाई, कई भाई तो इसको आज जब से शुरू करा आज तक उन्होंने इसमें ब्रेक ही नहीं दिया, इसको रेगुलर यूज करते हुए आ रहे हैं, इसको खा रहे हैं। मैं इसकी टैबलेट दिखाता हूँ अंदर कैसी टैबलेट होती है। कुछ इस तरीके की टैबलेट होती है, रेड कलर की इस तरह की कुछ टैबलेट होती है ये। तो भाई इसको जो भी भाई यूज कर रहे हैं यूज कर सकते हैं आप इसको। लेकिन कब, जैसे कि आपने जिम स्टार्ट करी है, आप बिगिनर्स हैं, जिम स्टार्ट करी है, आपने अपनी एपिटाइट इंक्रीज करी है, आपने खाना बढ़ाया आपने, तो उसमें अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है, आपका खाना नहीं पच रहा है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब 15 से 20 दिन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बॉडी को पता होता है कि कैसे हमारी एपिटाइट बढ़ी है तो हमें उसको कैसे टैकल करना है। तो भाई रेगुलर चलाना इसको जरूरत नहीं है कि आपने अपनी डाइट इंक्रीज करी है तो आप इसको 6-6 महीने 7-7 महीने तक रेगुलर यूज कर रहे हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं है। और जैसे कि जिम में जाके कई भाइयों को जिम ट्रेनर बताते हैं कि भाई जाते ही इसको लेना शुरू कर दो, इससे क्या नाम है भूख बढ़ेगी और क्या नाम है आपका लीवर हेल्दी रहेगा। तो भाई इसको रेगुलर यूज करना मेरे मायने में तो सही नहीं है कि आप इसको रेगुलर कम से कम 6-7 महीने यूज कर रहे हैं। ये भी एक टैबलेट ही है, चाहे आयुर्वेदिक हो। तो भाई और इसके रिलेटेड किसी भाई को क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में कमेंट करें। तो भाई आगे जो वीडियो होंगी हमारी सारी वो इन पे ही जिम मिथ्स पे बेस होंगी। किसी भाई को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।